सबूत मिटाने की नियत से मृतक के शव को नदी में हत्या कर फेंका एक गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने वाले आरोपी को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या करने के बाद सबूत मिटाने की नियत से मृतक के शव को नदी में फेंक दिया था। प्रेम विवाह और महिला के साथ उत्पीड़न बना था हत्या की वजह। बीती 11 जुलाई को नदी के अंदर बहेड़ी थाना क्षेत्र के गांव चका के रहने वाले मोहम्मद नाजिम का शव मिला था, जिसको लेकर थाना बहेड़ी में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। पुलिस ने अपनी सुराग कसी के जरिए यह पता लगा लिया कि आखिर हत्या करने वाले कौन है। पुलिस को तीन नाम प्रकाश में आए थे, जिसमें से शादित, राशिद और अजीम ने पुलिस ने मोहम्मद साजिद को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो मामला इस तरह निकल कर प्रकाश में आया। नाजिम के भाई हाजिम ने साजिद की बहन से प्रेम विवाह कर लिया था और उसके बाद नाजिम के घर वालों ने साजिद की बहन के साथ प्रताड़ना की, जिससे साजिद की बहन नाजिम के घर को छोड़कर चली गई, अपने भाई के पास रहने लगी थी। दूसरी वजह प्रकाश में आई कि हाजिम ने साजिद की बहन को छोड़ने के बाद राशिद की बहन से प्रेम विवाह कर लिया था, जिसका राशिद ने थाना बहेड़ी में मुकदमा भी पंजीकृत कराया था, मगर राशिद की बहन ने आरोपी के पक्ष में बयान दिए थे, इस वजह से उपरोक्त मुकदमा खत्म करा दिया गया था। दोनों बातों को लेकर आजिम नाम के व्यक्ति को साथ लेकर आरोपियों ने मिलकर नाजिम की हत्या कर दी थी। पुलिस ने उपरोक्त मुकदमे में तीनों आरोपियों में से मुख्य अभियुक्त मोहम्मद साजिद को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज रही है। फरार दोनों आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 11 अगस्त को मृतक नाजिम का अपहरण हुआ था। 12 अगस्त को तहरीरी सूचना के आधार पर हत्या के उद्देश्य से अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। 13 अगस्त को मृतक नाजिम की बॉडी को रिकवर किया गया। इसके बाद मुकदमा 302 में तरमीम किया गया। आज अब मुख्य अभियुक्त मोहम्मद साजिद की गिरफ्तारी की गई है। दो अन्य अभियुक्त और प्रकाश में आए हैं, मोहम्मद राशिद और मोहम्मद अजीम। इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। घटना का मोटिव इस प्रकार है कि मृतक नाजिम का छोटा भाई है हाशिम, उसने सर्वप्रथम राशिद की बहन सन्नो को भगा कर ले आकर के शादी की थी, परंतु सन्नो के साथ नाजिम और नाजिम के घर वालों ने काफ़ी मारपीट किया। मारपीट करने की वजह से हाशिम ने सन्नो को छोड़ दिया। इस पर राशिद ने जो है मुकदमा भी करवाया हुआ है। ये सन्नो जो है अपने मायके में ही, यानी राशिद के घर में सितारगंज में ही रहने लगी थी। 7-8 महीना की प्रेग्नेंट थी। इससे राशिद काफ़ी बहुत ही व्यथित था और बदला लेना चाहता था, और उसका साथ दिया उसके भांजे अजीम ने, जो चक्का का ही निवासी था, जहां का निवासी ये नाजिम है। नाजिम कुछ दिनों के लिए अपना घर छोड़ करके चला गया था। दूसरा मोटिव है इस मोहम्मद साजिद का। हाशिम ने सन्नो को छोड़ने के बाद इस मोहम्मद साजिद की बहन शगुफा से शादी कर लिया था, और इसको शगुफा को बहलाने फुसलाने में नाजिम और हाशिम के और घर वालों ने साथ दिया था। इसने मोहम्मद साजिद ने भी मुकदमा करवाया था, लेकिन नाजिम की पैरोकारी के कारण और शगुफा के अभियुक्त के पक्ष में बयान देने के कारण इस मोहम्मद साजिद के पक्ष में उसका निस्तारण नहीं हो पाया। इससे यह भी नाजिम से रंजिश रखता था। पूछताछ में क्या पता लगा, कैसे हत्या की? पूछताछ में ये पता चला कि अजीम ने सूचना ये दी कि ये गौरी खेड़ा पर जो है सरसों का तेल पिरवाने के लिए ले जा रहा है। इस पर मोहम्मद राशिम और अजीम मोटरसाइकिल पर तमंचे के बल पर इसका अपहरण किए, और उन सब ने इसकी सूचना मोहम्मद साजिद को भी दी थी। ये भी पीछे पीछे मोटरसाइकिल से आ रहा था। इन सब ने थाना जहानाबाद जिला पीलीभीत में अप्सरा नदी के पास इन सब ने इस मृतक को मारा पीटा। मार पीट करके इन सब ने उसे नदी में डुबो करके उसकी हत्या कर दी, और जो है साक्ष्य मिटाने के लिए मृतक की लाश नदी में ही डुबो दी। ये मोहम्मद राशिद और मोहम्मद अजीम दो लोग फरार हैं। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।